सिरसागंज ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। सच्चा यदुवंशी कौन है इसका एहसास हरिओम जी ने भी करा दिया है। भाइयों बहनों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। उन्होंने सज्जनों की रक्षा के लिए और दुर्जनों को भगाने के लिए, उनका संहार करने के लिए बार बार इस धराधाम पर अवतरित होकर के देश और धर्म की रक्षा की। लेकिन याद करिए, समाजवादी पार्टी ने तो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पर भी रोक लगा दी थी। हमारी सरकार जब आई तो हमने उस समय न केवल जन्माष्टमी के आयोजन को धूम धड़ाके के साथ मथुरा और वृंदावन में मनाने का कार्यक्रम किया, बल्कि यह भी कहा कि हर थाना हर जेल में भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के आयोजन पूरी भव्यता के साथ होने चाहिए। भगवान की पूरी लीला का गान देश के सामने, समाज के सामने आना ही चाहिए। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से आज हम मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, बलदेव, इन सभी तीर्थों का समग्र विकास भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये हमारा दायित्व भी है और जन आस्था का सम्मान भी है। आप याद करिए, हमने कहा था अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाएंगे। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है ना, कोई संदेह है क्या? हमने कहा था काशी में काशी विश्वनाथ धाम का पुनरुद्धार करेंगे, हो गया है ना। और मथुरा में ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से द्वापर युग की याद को फिर से ताजा करेंगे, यह कार्य चल रहा है भाई ना, क्योंकि ये हमारी पहचान है। हमने पहचान को समाप्त नहीं होने दिया, आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया। और मैं तो पहले कहता था कि भाइयों बहनों, सिपाही खानदान कभी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा बड़ा यादव खड़ा हो जाए, जनाधार यादव ना यादव सामने आ जाए, कभी नहीं चाहेगा। क्योंकि जो व्यक्ति 12 बजे सोकर के उठता हो, अपने पराये का ध्यान न रखता हो, तो वह हरिओम यादव जैसे एक जनाधार वाले नेता को क्या सम्मान दे पाते। वे चाहते ही नहीं थे, लेकिन मैं आज आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, दो चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और दो चरण के चुनाव के काम के बाद आज प्रदेश के अंदर स्थिति बहुत स्पष्ट हो चुकी है। पहला चरण 10 फरवरी को, दूसरा चरण 14 फरवरी को कल संपन्न हुआ है। और मैं आपको आज यहां पर कह रहा हूं फिरोजाबाद में, क्योंकि फिरोजाबाद को तो सुहाग की नगरी भी कहा जाता है, मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, और इसलिए मैं सच बोलने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी धूम धड़ाके के साथ सरकार बना रही है और श्री हरिओम यादव का सम्मान की रक्षा भी करेगी।